10 actresses who told dark secrets of Bollywood. बॉलीवुड की दुनिया दूर से काफी सुहानी दिखती है ना? लेकिन बॉलीवुड के पीछे छिपा दलदल बहुत ही कम लोगों को नजर आता है। आम जनता ये बात नहीं जानती कि बॉलीवुड के लोग अपने सीने में कई गहरे राज दबाए बैठे हैं। कई बार बॉलीवुड और टीवी की हसीनाओं ने इन काले राजों से पर्दा हटाने की कोशिश की है। इन अदाकाराओं का मुंह खुलते ही बॉलीवुड के फैंस के बीच खलबली मच गई थी। बॉलीवुड की डार्क सीक्रेट सुनकर लोग दंग रह गए। अपनी इस वीडियो में हम आपको उन अदाकाराओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि बॉलीवुड की पोल पट्टी जमाने के सामने खुल चुकी हैं। पूजा मिश्रा। बिग बॉस स्टार पूजा मिश्रा सलमान खान और उनके भाइयों पर रेप का आरोप लगा चुकी हैं। कुछ समय पहले ही पूजा मिश्रा ने शत्रुघ्न सिन्हा और उनके परिवार पर निशाना साधा है। पूजा मिश्रा ने दावा किया है कि उनकी वर्जिनिटी की कुर्बानी देकर शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बेटी का करियर बनाया है। इस दौरान पूजा मिश्रा ने सोनाक्षी सिन्हा के परिवार पर जादू टोना करने का भी आरोप लगाया। कंगना रनौत। कास्टिंग काउच से लेकर नेपोटिज्म और ड्रग्स तक, कंगना रनौत ने हर मुद्दे पर खुलकर बात की है। कंगना रनौत दावा कर चुकी है कि बॉलीवुड में बिना कॉम्प्रोमाइज के कोई भी काम नहीं मिलता। निया शर्मा। एक इंटरव्यू में निया शर्मा ने बताया कि वो फिल्म मणिकर्णिका में एक रोल के लिए ऑडिशन देने गई थी। यहाँ हर कोई निया शर्मा से ज्यादा उनके बोल्ड अवतार के बारे में बात कर रहा था। लोगों के रवैये ने निया शर्मा का खून खोल दिया था, जिसके बाद निया शर्मा ने दोबारा सेट की तरह मुड़कर नहीं देखा। हीना खान। हीना खान भी जमाने के सामने अपनी आप बीती सुना चुकी है। हीना खान ने बताया था कि बड़े डिजाइनर आम कलाकारों को कपड़े देने से इनकार कर देते हैं। बॉलीवुड के लोग टीवी के सितारों को हीन भावना से देखते हैं। कोई भी टीवी के कलाकारों को इज्जत नहीं देता। सनी लियोनी। सनी लियोनी ये खुलासा कर चुकी हैं कि पॉर्न जगत का हिस्सा होने की वजह से कोई उनको काम नहीं देना चाहता था। सनी लियोनी ने बताया था कि इंडस्ट्री के लोग उनकी शक्ल से भी नफरत करते हैं। राधिका मदान। राधिका मदान ने कुछ समय पहले ही दावा किया था कि वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के ऑडिशन में गई थी। इस दौरान राधिका मदान को बताया गया कि वो सुंदर नहीं है। ये बात बोलकर राधिका मदान को वापस भेज दिया गया। ईशा कोपिकर। ईशा कोपिकर भी बॉलीवुड का असली चेहरा देख चुकी हैं। ईशा कोपिकर ने बताया था कि बॉलीवुड में सिर्फ केवल एक्टर्स की ही चलती है। एक्टर्स अपने हिसाब से एक्ट्रेसेस को बदल लेते हैं। कई बार तो ईशा कोपिकर को भी एक्टर के कहने पर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। शर्लिन चोपड़ा। पॉर्न फिल्म बनाने के मामले में फंसने के बाद शर्लिन चोपड़ा ने राज कुंद्रा की पोल खोल कर रख दी थी। शर्लिन चोपड़ा ने कई बार इंडस्ट्री के बारे में कई बयान देकर बखेड़ा भी खड़ा किया है। विद्या बालन। बातों ही बातों में विद्या बालन भी बॉलीवुड की पोल खोल चुकी है। एक इंटरव्यू में विद्या बालन ने बताया था कि कई बार इंडस्ट्री में सितारे भी इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं। ईशा गुप्ता। ईशा गुप्ता ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि इंडस्ट्री के लोग केवल गोरे लोगों को ही काम देना पसंद करते हैं। लोगों ने उनको डार्क कॉम्प्लेक्शन से छुटकारा पाने के लिए स्किन व्हाइटनिंग इंजेक्शंस लगाने की हिदायत दी थी।